देखिए आप सब लोग, पूरा इंडिया जानता है केरला का अंदर जो बाढ़ आया, जो फ्लड हुआ केरला का अंदर, दो तीन महीने से लोग 500 से ज़्यादा जान चला गए, 30,000 गवर्नमेंट का रिकॉर्ड का मुताबिक 30,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। तो उधर केरला, जो केरला के अंदर से सेंट्रल को आप फॉरेन एक्सचेंज में 75,000 करोड़ इनकम है। देखिए इतना बड़ा हादसा हुआ, अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट इसको एक नेशनल डिजास्टर, क्योंकि 500 जान चला गए, 30,000 करोड़ रुपीज़ चला गया, घरान चला गया, इतना सब होने के बाद एक नेशनल डिजास्टर मानना था। तो इसलिए कि एक सौतेला जैसा केरला को ट्रीट कर रहा है, एक क्लियरली एक राजनीति है। तो ये राजनीति गवर्नमेंट चलाने वाले एक माँ के जैसा रहना है, सब स्टेट को, क्योंकि एक फेडरल सिस्टम है, सब स्टेट को एक इक्वालिटी रहना है। तो इन्होंने केरला को विजिट किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और सिर्फ 500 करोड़ रुपीज़ का ऐड दिया, मगर दूसरे स्टेट्स, UAE 700 करोड़ रुपए का डिक्लेरेशन किया था अलग अलग मुल्कों में, मगर उसको भी मना कर दिया। तो हम ये चाहते हैं कि दो सेंट्रल गवर्नमेंट, नरेंद्र मोदी का लेड गवर्नमेंट, इसके ऊपर तवज्जो देना है, इसको एक नेशनल डिजास्टर बोलकर इसको डिक्लेयर करना है, और सबसे ज़्यादा ऐड करना है। देखिए एक स्टैचू के लिए ये लोग 3,000 करोड़ इनको करते हैं, अपना आपस का मुल्क नेपाल के लिए 7,000 करोड़ रुपए देते हैं। तो अपना ही एक मुल्क को ऐसा एक डिफरेंशिएट करना, इसके खिलाफ आज केरला SDP स्टेट कमेटी वजह से एक प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस मार्च का एक प्रोग्राम किए हैं एक सांकेतिक रूप से। तो जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट इसके ऊपर एज ए नेशनल डिजास्टर नहीं कहेगा, एक ऐड नहीं करेगा, 30,000 करोड़ जो नुकसान हुआ है, क्योंकि आज उनका रिहैबिलेशन होना बहुत ज़रूरी है, टेम्प्रोरी रिलीफ नहीं, एक रिहैबिलेशन करना, इनको रिकन्स्ट्रक्शन करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का जानिब से हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट से ये मांग करते हैं, इमिडिएट इसको नेशनल डिजास्टर करके जितना होता का उतना एक पैकेज आप इधर के सेंट्रल से देना है केरला के लिए।